वाले में डिस्कशन करेंगे। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो एक साथ सारे स्टूडेंट्स को इसीलिए मैंने बुला लिया है। थोड़े बहुत जो कंपोनेंट्स हैं और थोड़ा सा वर्किंग में चेंज है बस। ओके ओके। वो जो बॉयलर था, उस बॉयलर में आपने जो वाटर ट्यूब बॉयलर था वो टर्बाइन वगैरह लगा करके उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, ठीक है। और जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर है, इस बॉयलर का यूज़ आप शिप वगैरह में भी यूज़ कर देते हैं, और दूसरा आप जो स्टीम इंजन, जो ट्रेन का स्टीम इंजन है, वो इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। दोनों में से जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी इन कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी काफ़ी कम है। ओके, अब स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट। यहाँ पर एक स्लिप लगी हुई थी, वो किसी स्टूडेंट ने हटा दी है, जिसमें एक ही कंपोनेंट लिखे हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट नंबर ये है, इसको बोलते हैं डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। ओके, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व मतलब कोई एक ऐसा वॉल्व होगा जो थोड़ा वेट की वजह से अप एंड डाउन कर रहा होगा। ओके, सेकंड आपका है आई थिंक मैन होल होगा, ये दो नंबर है ना। हाँ। ये आपका मैन होल होना चाहिए। थर्ड है आपका सेफ्टी वॉल्व। अब इसमें दो सेफ्टी वॉल्व यूज हो रहा है, एक फर्स्ट नंबर पे डेड वेट सेफ्टी वॉल्व और सेकंड नंबर पे ओनली सेफ्टी, थर्ड नंबर पे जो है वो सेफ्टी वॉल्व है। सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है वो आपका मैन होल है। तो सेफ्टी वॉल्व आपको पता है कि क्या यूज होता है, मैन होल का क्या यूज है वो भी आपको पता है। फोर्थ कहाँ पर है देखो, ढूंढो, ये रहा फोर्थ, ये फोर्थ है। इसको अगर आप ओपन करते हो तो मुझे लगता है फोर्थ नंबर पे इसमें मड होल का कुछ होगा शायद। या ये मड होल है। ओके, उसमें भी मड होल दिखा था ना, जो वाटर ट्यूब था उसमें ब्लैक कलर की कॉक नीचे थी, ठीक है। वैसे इसमें भी आगे वैसे ही कॉक लगी हुई है, फोर्थ नंबर पे वो कंपोनेंट लगा हुआ, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए, इसमें स्टीम गेज, सेम स्टीम गेज का जो काम था वो इसमें भी है। सिक्स नंबर पे वाटर गेज, ये लगा हुआ है यहाँ पर, जो वाटर लेवल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। सेवन्थ नंबर कहाँ है देखो, कहीं दिख रहा है सात, अंदर तो नहीं, सात नंबर नहीं दिख रहा है, बंद करो, नहीं है कुछ नहीं, चलो होगा, नहीं मिल रहा सेवन, कोई बात नहीं, तेरा है। चलो एट नंबर पे आते हैं। हाँ। ये आपका कौन सा कंपोनेंट है, नॉब, डेड वेट, ये कंपोनेंट उसमें भी लगा हुआ था। हेलो, इसको क्या बोलते हैं, फीड चेक वॉल्व, कंपोनेंट देख करके पहचानो ना, फीड चेक वॉल्व था उसमें, फीड चेक वॉल्व नहीं था, ब्लैक कलर का ऐसा छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है जो वाटर गेज के नीचे लगा हुआ था, वाटर गेज के नीचे लगा हुआ था ब्लैक कलर का कंपोनेंट, ठीक है। नाइन नंबर पे ये एयर रेगुलेटिंग डोर्स हैं। आई थिंक सेवन नंबर पे ये आपके ग्रेट्स होंगे, इनको बोलते हैं ग्रेट। ओके, फिर टेन नंबर पे क्या देखो, कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। टेन नंबर पे आप एज्यूम कर लीजिए शायद चिमनी होगी, तो फिर टेन नंबर पे ये आपका वो होगा, वो थर्टीन पे है सर, ये भी तो था। इलेवन नंबर पे आपका ये डेट वो है, क्या कहते हैं, काउंटर वेट। ओके, और टेन नंबर पे ये जो पुल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर की पैड लगे हैं जिनको आप पुल करोगे तो ऊपर को उठेगा, इसको क्या बोलते हैं, जाओ देख कर, अरे ये वो वाला कवर कर डैम्पर, ठीक है। तो ये हो गया टेन नंबर पे डैम्पर, इलेवन पे काउंटर वेट हो गया, ट्वेल्व पे चिमनी हो गई, और थर्टीन पे क्या हो गया, स्टॉप,
ठीक है, स्टॉप वॉल्व। ओके, ये हो गए आपके कंपोनेंट। अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग में। ये जो आपको ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम जो है वो बेसिकली दो पार्ट में ये भी डिवाइड होता है। ठीक है, होता क्या है कि अब इसमें कहीं ट्यूब्स तो है नहीं कि आप उसमें वाटर फ्लो करा रहे होंगे, तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड है इस पूरे ड्रम को, पहले ऐसे दो कट सेक्शन बनाए, फिर उसके बाद ऐसे दो कट सेक्शन बनाए इसमें। ओके, समझ में आया? मतलब ये जो पूरा ड्रम है उसको पहले बीच से कट किया, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं कि एक हिस्से पर आप वाटर फिल करोगे, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उस पर क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो नीचे वाले हिस्से पर हम क्या करेंगे, वाटर रखेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें जो होल है उसके ऊपर ये ऐसे करके ग्रेड्स लगी हुई हैं। ठीक है, इन ग्रेड्स पे हम क्रश कोल को रखते हैं, मतलब क्रश कोल को क्या बोलेंगे, कोल मतलब कोयला ही होता है, क्रश मतलब वो पाउडर के फॉर्म में जो कोल होगा वो इसके ऊपर रखेंगे और इसी के अंदर फर्नेस होती है। इसी जो जो ब्लॉक दिख रहा है इसी ब्लॉक में फर्नेस होती है, कोल को बर्न कराता है, और कोयला जब बर्न होगा तो आपका वही प्रोसेस चालू हो जाएगा जो उसमें हुआ था, कि वाटर आपका हीट होना शुरू हो जाएगा, देन वेपराइज होगा, और फिर आपको वो वेपराइज होकर के कन्वर्ट होगा किसके फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। ठीक, अब स्टीम के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए इस एरिया में आपका इस हिस्से पर वाटर है, ये ग्रेट्स लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्रश कोल को रखा, बर्न कराया, तो वाटर आपका फ्लो होगा इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद वो दोबारा से जाएगा, ठीक, हीट होने के बाद कन्वर्ट होगा और ऊपर वाले हिस्से पर आकर के कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक, स्टीम में। वैसे ही जब मान लीजिए कि ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जो कि आपको अभी इसमें दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने जो बताया था कि इसको पहले दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर इसको दो कट सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो वाटर फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बाद फिर वाटर ऊपर से टर्न होकर के दूसरे साइकिल पे आएगा। ठीक, तो जैसे ही हमने उसमें दो चीजें आपको बताई थी, एक होता है एसेसरीज और एक होता है माउंटिंग्स, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो माउंटिंग्स क्या होती हैं? अच्छा, एसेसरीज क्या होती है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अलग से कोई भी कंपोनेंट हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, बट जो साइकिल हमारी चल रही है वो हमारा वाटर का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, फिर वापस नीचे से आकर के फिर वापस जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में, ये कॉन्टिन्यू इसी ड्रम के अंदर वाटर आपका ट्रेवल करता रहेगा, और उसके बाद जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर वाले हिस्से पर जो ऊपर वाला कंसेप्शन होगा उसमें जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा उसका आपको जहां पर भी यूज करना होगा, तो स्टॉप वॉल्व लगा हुआ है, स्टॉप वॉल्व से आप उसको पाइप के थ्रू या जैसे भी जहां भी पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो दो वॉल्व लगे हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, ओके, दो सेफ्टी पर्पस के लिए वॉल्व इस वजह से लगे हुए हैं कि उसमें क्या था कि आपका जो वाटर ट्यूब था वाटर उसमें फ्लो हो रहा है और स्टीम कहां पर बन के मिल रही है, उस ड्रम में कलेक्ट हो रही है, लेकिन आपको इसमें क्या है कि ड्रम में ही वाटर फ्लो करा रहे हैं और ऊपर कलेक्ट भी हो, जो स्टीम भी है वो भी इसी ड्रम में ही हम कलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इसमें हम दो सेफ्टी वॉल्व का यूज करते हैं, एक ये डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका एक वेट मतलब एक फिक्स वेट है, जब प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये डेड वेट सेफ्टी वॉल्व पुल करेगा, मतलब ऊपर को उठ जाएगा जैसे कुकर की सीटी, वैसे ही वो वाला वॉल्व काम करेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग वॉल्व लगे हुए हैं इसमें, ठीक, वो आपका सेफ्टी वॉल्व आपको जहां पर भी स्टीम को यूज करना होगा वहां लाने ले जाने के लिए, फिर मैन होल का यूज समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आपका ये जो ग्रेट्स है, ग्रेट समझ में आया, ग्रेट्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्रश कोल को उसकी पे रख करके और वहां पर फर्नेस है कोल को बंद करा रहे हैं। ठीक है, फिर
फोर्थ नंबर में कौन सा कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताया था, मड होल। ठीक, तो इसमें जो भाई ट्यूब्स तो है नहीं, ड्रम है, तो जब आप इसको बंद करोगे, ऑफ करोगे, उसके बाद आप वो मड होल वाला कॉक ओपन कर दोगे, तो जितना भी वाटर और इम्प्यूरिटीज होगा वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता होगा कि दोनों में इफिशियंसी का फर्क कैसे है, इतना दोनों में इफिशियंसी का बहुत फर्क। ठीक है, देखो होता क्या है कि उसमें जो वाटर है हमारा वो आप ट्यूब्स में फ्लो करा रहे हो कंटिन्यू, और प्रॉपर एक जगह से जहां पर आपने फर्नेस बना रखी थी आपको ट्यूब को हीट करना था जिसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, जिससे कि वाटर भी आपका हीट हो रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि पूरे के पूरे ड्रम में पानी भरा हुआ है और आप एक साथ पूरे वाटर को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। लेकिन उसके केस में क्या था कि जितना डाउन टेक हेडर से अपटेक हेडर की तरफ आपका वाटर फ्लो हो रहा था, तो जो ट्यूब्स में वाटर फ्लो हो रहा है उतने ही आप उसको बंद करा रहे हो ना, और जो डाउन टेक हेडर टू अपटेक हेडर की तरफ पहुंचा तो वो जो एरिया है ज्यादा से ज्यादा हीट तो हम वहां दे रहे हैं। लेकिन इसके केस में क्या है कि आप पूरे को एक साथ हीट दे रहे हो, तो जो वाटर होता था आपका वो प्रॉपर क्या हुआ, अगर बर्न नहीं हो पाओ, सॉरी वाटर आपका हीट नहीं हो पाया तो वो प्रॉपर वेपराइज नहीं होगा और फिर स्टीम में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको, इसके प्रोसेस को होने में उसके कंपेयर में काफी टाइम भी लगता था। ठीक, जो आप ट्रेन का इंजन देखते हो, अच्छा ट्रेन के इंजन पहले भी स्टार्ट रखे जाते थे और आज भी स्टार्ट रखे जाते हैं, इसका रीजन जानते हैं? जी, मतलब आज भी अगर ट्रेन हमें चार दिन नहीं चलानी है या दस दिन भी नहीं चलानी है तब भी आप उसका इंजन ऑफ नहीं करते हैं। फील ज्यादा लगता है स्टार्ट करने में। अगर आपको महीने दो महीने के लिए अगर आपको ट्रेन अपनी जगह से नहीं मूव करानी है तभी आप इंजन बंद करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे कि जब आपको मैंने फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक बताया था तो उसमें भी क्या होता था कि वन टाइम जब आप स्टार्ट करते थे इंजन को तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती थी। ठीक है, वैसे ही जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो जब आप रनिंग में होता है इंजन उसके कंपेयर में स्टार्टिंग जो इनिशियल आपका होता है उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। वैसे ही इसके केस में भी जब आप स्टार्ट करते हो इंजन, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो आपका भाप का इंजन हो, दोनों के केस में यही था। ठीक है, दैट्स व्हाई इंजन आप जो है कंटिन्यू आप स्टार्ट ही रखते हो चाहे दो दिन आपको खड़ा रखना हो इंजन। ओके, तब दोनों का इफिशियंसी में समझ में आया, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। आपको मैंने मैनुअल दिया हुआ है, एक बार आप पहले मैनुअल स्टडी करो, मैनुअल स्टडी करने के बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो फिर आप पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस सेम है, बस कंपोनेंट थोड़े से चेंज है और तरीका चेंज है, काम सेम है। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन तो पूछे नहीं जा सकता कि माउंटिंग्स एंड एसेसरीज क्या है, बिकॉज ऑफ इसमें एसेसरीज कोई हम ऐड नहीं किए, एसेसरीज ऐड करते तो इसकी भी इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज और, हम अगर एसेसरीज बढ़ाते हैं, अगर एसेसरीज ऐड करते हैं तो किसी भी चीज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, और वो इससे भी अपडेट हो चुका है मॉडल, इससे भी ज्यादा कंपोनेंट हम ऐड करके अब एफिशिएंसी को और बढ़ा चुके हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमने क्या किया था, फर्दर हीटिंग की थी, फर्दर हीटिंग करने के बाद फिर से हमने उसको क्या किया था, स्टीम में कन्वर्ट किया था, तो पहले से ही वो कुछ ना कुछ पानी जो है आपका पूरी तरीके से ठंडा तो नहीं हो गया होगा। ठीक, फिर आपने सुपर हीटर का यूज किया था उसमें, तो सुपर हीटर ट्यूब्स में जो वाटर फ्लो हो रहा था उसको फर्दर हीटिंग करके आपने फिर से स्टीम में कन्वर्ट किया, तो जो आपका वाटर ट्यूब था और जो सुपर हीटर ट्यूब था दोनों में जो टेम्परेचर है वो आपका सुपर हीटर ट्यूब्स का टेम्परेचर भी इन कम्पेयर टू वाटर ट्यूब्स में ज्यादा था। ठीक है, अब आप लोग अपना अपना टेबल पकड़ लो
और जो मैनुअल दिया है आप मैनुअल निकालो, जिसका भी इनकम्प्लीट है फाइबर, फाइबर कम्प्लीट करना है सर। इसमें क्या इधर खोल के मिलता है, इधर देख लो खोल के, बिल्कुल एक जो पार्ट ओपन करके देख सकते हो कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा है कैसा है। कुछ नहीं है वो तो कर रहे हो दीवार खोल के घर लिए चलो हम तैयार उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। वाह वापस से बॉक्स आएंगे चलो बेटा बंद कर वो भी खुल जाता है वो तो देखा ही नहीं पाया हमने देखने गए थे खुल के नहीं रहा ये YouTube पे जानी वीडियो पॉइंट।